मेरा नाम स्मृति चौधरी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। मुझे ड्राइंग्स करना बचपन से ही बहुत पसंद है और मैं आज भी उतना ही इंजॉय करती हूँ। पहले मैं आपको अपना कुछ काम दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम साथ में आर्ट भी बनाएंगे। ये ड्राइंग्स मैंने पेन से बनाई है। मुझे प्रकृति से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे काम में ज्यादातर जानवर और पेड़ पौधे नजर आएंगे। और ये कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। मुझे अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करने में बहुत मजा आता है। मैंने अपने घर की दीवार पर ये हाथी वॉल पेंट से बनाया है। इसे बनाने में मुझे पूरा एक महीना लगा था। आर्ट बनाने से मुझे बहुत शांति मिलती है और शायद आपको भी मिलती होगी। तो अब हम साथ में कुछ बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ट्राई करेंगे। हम क्रेयॉन्स और ब्लैक पेंट लेके ऐसे खिड़की के दो व्यू बनाएंगे, एक जो आपकी खिड़की से दिखता है और जो आप खिड़की से देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक की जरूरत है जो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब मेरे टेबल पर चलते हैं जहाँ पे मैंने सारा सामान तैयार रखा है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पेपर। मोटे पेपर से ज्यादा अच्छा बनेगा। डिफरेंट कलर्स के क्रेयॉन्स, एक पेंट ब्रश, ब्लैक पोस्टर पेंट और कुछ भी शार्प जैसे टूथपिक या बोर्ड पेन। सबसे पहले क्रेयॉन्स लेकर आपको पेपर पर घिचपिच करनी है। इसमें बहुत मजा आता है क्योंकि इस स्टेप में आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपके मन पसंद कलर्स लेकर आपको खूब एंजॉय करना है। ये करते वक्त आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पेपर अच्छे से क्रेयॉन से कवर हो जाए। क्रेयॉन्स बैग्स यानी मोम के बने होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर से पेंट को खरोच के निकालना इजी हो जाता है। मैंने अपनी खिड़की के शेप को देखते हुए पेपर को स्क्वायर शेप में काटा है। आपकी खिड़की के शेप के हिसाब से काट सकते हैं। अगर आप पोस्टर पेंट को डायरेक्ट पेपर पर लगाकर करने की कोशिश करेंगे तो खरोचते वक्त पेंट के साथ पेपर भी निकल सकता है। अगर आपको कलरफुल आर्टवर्क नहीं पर ब्लैक एंड व्हाइट आर्टवर्क बनाना हो तो आप पेपर पर सिर्फ व्हाइट क्रेयॉन से भी कलर कर सकते हैं। और अगर क्रेयॉन्स ना हो तो आप मोमबत्ती को भी पेपर पर घिस सकते हैं। दोनों पेपर्स को क्रेयॉन से कवर करने के बाद हम उस पर पेंट का एक थिक कोट लगाएंगे। मैंने कैमलिन का सिंपल ब्लैक पोस्टर पेंट यूज किया है। आप पोस्टर पेंट की जगह एक्रेडिक पेंट या ब्लैक इंक भी यूज कर सकते हैं। पेंट लगाते वक्त आपकी ब्रश को एक ही डायरेक्शन में चलाएं। उससे पेंट सूखने के बाद काफी इवन दिखेगा। अगर एक कोट लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पेंट बहुत पतला है तो आप उस पर एक कोट और लगा सकते हैं। इसको अच्छे से सूखने में कुछ आधा से एक घंटा लग सकता है। अब ये पेंट पूरी तरह से ड्राई हो गया है। हम इसको अब स्क्रैच करना चालू कर सकते हैं। मैं पहले टूथपिक यूज कर रही हूँ पर आपको अब मैं बोर्ड पेन यूज करके भी दिखाऊंगी। आप कुछ भी शार्प चीज यूज कर सकते हैं पर स्क्रैच करते वक्त जल्दबाजी ना करें। जल्दी करने से पेंट ज्यादा निकल सकता है, पेपर फट सकता है या फिर आप जो शार्प चीज यूज कर रहे हैं उससे आपको लग भी सकती है। मैं सबसे पहले खिड़की ड्रॉ कर रही हूँ। आप विंडो का शेप अपने घर की खिड़की को देखकर बना सकते हैं। मेरी खिड़की से मुझे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इसलिए मेरी पहली खिड़की के व्यू के लिए मैं कुछ डालियां और पत्ते बना रही हूँ। आपको आपकी खिड़की से जो भी दिखता है आपको वो बनाना है। वो बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, सिर्फ आसमान और बादल भी हो सकते हैं या फिर आपकी खिड़की के सामने जाती हुई रोड भी हो सकती है। स्क्रैच करते वक्त अगर पेंट गलत जगह से निकल भी जाए तो घबराइए नहीं, इसको आप लास्ट में फिक्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ ब्लैक पेंट लेकर उन एरियाज पे फिर से लगा देना है। मेरा पहला खिड़की का व्यू तैयार हो गया है, अब मैं दूसरा बनाऊंगी। मुझे चांद और तारे बनाना और देखना बहुत पसंद है तो मैं ये दूसरी ड्राइंग के लिए रात का सीन बनाना चाहती हूँ। ये सेकंड व्यू के लिए भी आपको वो बनाना है जो कि आप देखना चाहते हैं, जो कि आपको पसंद है। तो इस ड्राइंग के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है और जो दिल में आए आपको वो बनाना है। ये स्टार्स बनाना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ तारों के जैसे छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं। मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है तो मैं इस खिड़की पर एक छोटी सी बिल्ली बैठाना चाहती हूँ। आपने देखा कि इनको बनाना कितना इजी है
अब आप अपने दो व्यूज बना के हमें भेज सकते हैं और मैं आपको फिर से मिलूंगी कुछ और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही जल्द। बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें तीन तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे bepcddprogram@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर, गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।